अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जर्दे की रेसिपी मेरी गुलाबों के अंदाज़ में। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक गिलास चावल लिए हैं, सैला चावल है जो मैं भिगो के 2 घंटे धो के रख चुकी हूँ। इस नाप के चावल लिया है, जो गिलास रखा है इसी नाप से लिया है मैंने। पानी लिया है, खुला पानी रखा है भगोने में और उसको उबलने के लिए हम चूल्हे पर रख चुके हैं। इसमें आधा चम्मच जर्दे का रंग डालूंगी। ध्यान रखें जर्दे का रंग ठंडे पानी में डालें, पानी गर्म करके बिल्कुल ना डालें, नहीं तो घुलता नहीं है और इसमें गुठली आ जाती है। इसको अच्छी तरीके से चला दीजिए, सारा पानी कलर मिक्स हो जाए सब में और इसको हम अब उबलने के लिए रख देंगे। देखिए पानी उबल चुका है, अब हम इसमें अपने चावल छोड़ेंगे। चावलों को बहुत अच्छी तरीके से हमें उबालना है। एक कनिया रखनी है हमें चावलों में, अगर ज़्यादा उबाल देंगे तो चावल सही नहीं बैठते, ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसको अच्छी तरीके से चला के ढक देंगे चावलों को उबलने तक छोड़ने। देखिए चावल हमारे उबल गए हैं, तैयार हैं। एक कनी रह गई है इसमें, अब हम इसको छलनी में निकाल देंगे, छान लेंगे, बिल्कुल पानी निकाल देंगे। ध्यान से करें, ठंडे पानी से इसको थोड़ा ठंडा कर दें, हवा लग जाए, ठंडे होने तक इसको शीतलत छोड़े रखें, थोड़ा ठंडा होने दें। ऐसे कढ़ाई रख दिए चूल्हे पे और अब हम इसमें 2 चम्मच असली घी डालेंगे। डालडा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं तो असली घी में बनाती हूँ इसलिए मैंने असली घी डाला है। आपकी मर्जी है, आप जो डालडा यूज़ करें या असली घी। 3 से 4 लौंग, 2-3 छोटी इलायची, हल्का सा गर्म होने पर इसमें हम चावल डाल देंगे अपने। चावल ठंडे हो चुके थे हमारे, देखिए मैं हाथ से ही डाल रही हूँ इसलिए, और इनको हल्के से फैला देंगे, हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि चावल हमारे गले में हैं। इसमें मैं 1/2 कप दूध डाल रही हूँ पहले ही, क्योंकि चावल अट जाते हैं जर्दा का, ज़्यादातर लोगों से अट जाते हैं। मैं नहीं डालती लेकिन मैंने इसलिए डाल के दिखाया आपको। और एक गिलास जो चावलों को लिया था मैंने, उसी नाप से मैंने चीनी ली है और इसको ऊपर अच्छी तरह से फैला दी चीनी। आसान तरीका यही है जर्दा बनाने का, लोग चाशनी बना के भी बनाते हैं पर सबसे आसान तरीका यही है। इसको हमने कवर कर दिया, 5 से 7 मिनट मैंने छोड़ा था, चीनी घुल गई है। अब इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके चीनी को मिला देंगे, मीठे को जो हमारी रह गई थी, क्योंकि चीनी पानी बहुत छोड़ती है। इसको हम फिर कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद फिर खोलेंगे, हम इसे देखेंगे। देखिए अभी मेरे चावलों में पानी है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए। पहले थोड़ा सा बना के ट्राई करें, जिनको नहीं आता वो ट्राई करें। बहुत आसान है, बस थोड़ा ऐंठ जाता है इसलिए लोग बनाते हुए जर्दे को डरते हैं। और इसको अब हमने, इस क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो इसलिए हम इसको दम देंगे। कपड़े से कवर कर दिया है और ढक्कन इस पर लगा दिया है। देखिए भाप ऊपर तक आ रही है, मेरे कवर ढक्कन पे कितना पानी आ गया। अब हम इसको खोल के देखेंगे। देखिए जर्दा हमारा तैयार हो गया है,
और कितना शानदार हुआ है। अब इसमें हम ऊपर से चेरी डालेंगे। जितनी आपको डालनी है थोड़ी रखनी है थोड़ी रखिए, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालिए। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए ऊपर से। अगर आप खोया डालना चाहते हैं तो जर्दे को ठंडा करके खोया डालना, क्योंकि जर्दे में खोया घुल जाता है। तो आप डालना चाहते हैं तो खोए को ठंडा करके डालें, जर्दे को खोया डालें, और इसको फिर हम कवर कर देंगे 1-2 मिनट कि तो हमारी हल्की सी भी अगर कसर होगी तो वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। बनाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को टफ लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो सब चीज़ बन सकती है। हमारा जर्दा बनके तैयार हो चुका है। ये देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। वाकई ये बहुत टेस्टी भी है, क्योंकि मेरी गुलाबो तो हर चीज़ परफेक्ट बनाती है। और जैसे कि उसने आपको बताया है कि उसने इसमें खोया नहीं डाला, और अगर आपको खोया डालना है तो आप अपने जर्दे को ठंडा करके फिर उसमें खोया डालिए, वरना वो इसमें मिक्स हो जाएगा। और हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जर्दे को बना के खा के बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आइडिया दीजिए कि हम नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की लेके आएँ। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।